अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? रहा मैं एक और ब्रांड वीडियो के साथ, मेरी एनोनिमस की पब्लिक। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, जाओगे खुश होंगे और इन्जॉय करेंगे अपनी लाइफ को। भाई मेरी एडिटिंग जो है वो लेट हो चुकी है, सही है। तो मैं भी छत पर आ गया था, नीचे काफ़ी गर्मी थी, तो फिर मैंने कहा आराम से ऊपर छत पर बैठ के एडिटिंग करते हैं। लेकिन टाइम इतना हो चुका है कि भाई मुर्गे शुरगे जाग चुके हैं और दिन निकलने वाला है, तो अब जो है ना आपको मुर्गों की आवाज़ सुनने को मिलती रहेगी। खैर, मेरी नाश के हमारे पास 30K UC थे, और ये ना जब नई नई मैकलेन की जो आई थी ना स्पिन, ये तब के हैं, मैंने तब की रिकॉर्ड करके रखी हुई है। तो मुझे ना पता नहीं था, किसी ने किया ही नहीं था, मतलब शुरू में मैंने ओपन कर लिया था तो किसी ने ओपन ही नहीं किया था। मुझे पता ही नहीं था कि लाइक इसमें क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सूट वगैरह देखने लगा कि कैसे कैसे सूट हैं, क्या कुछ चीज़ें हैं। भाई इसमें मिथिक सूट थे 3, लेकिन मेरी एनोनिमस के लिए, जैसे आपको पता हमारा मिथिक फैशन हो चुका है, तो भाई मिथिक का मुझे कोई इतना लालच नहीं है। गाड़ियों की स्किन थी काफ़ी मज़े की, ठीक है। तो दिल आ रहा था बहुत ज़्यादा कि भाई अब तो कोई ना कोई निकलनी ही चाहिए गाड़ी है, लेकिन कोई बड़ा दिल कर रहा था, ऐसे बहुत कम करता है, लेकिन जब उसे है ना मेरा बड़ा दिल किया, मैंने कहा गाड़ी होनी चाहिए भाई, पब्लिक है ऐसी VIP सी गाड़ी, रियल लाइफ में तो पता नहीं कब नसीब में लिखी है, इंशाल्लाह होगी अपनी, लेकिन वैसे दिल कर रहा था। तो चीज़ें वगैरह काफ़ी अच्छी अच्छी आई हुई थी, औसम आई हुई थी। मुझे लगा ये नॉर्मल स्पिन जैसी है, जैसे लाइक हमेशा के लिए हमेशा होता है पब्लिक, वैसी ही है ये, और रिडीम कर सकते हो आप 1500 पॉइंट्स में। मैंने कहा रिडीम कर लेंगे, तो मेरे तो मतलब माइंड में ये था कि कोई रिडीम करके अच्छे सी गाड़ी ले लेंगे, पता ही नहीं था कि निकलेगी कैसे, क्योंकि ये काफ़ी डिफरेंट चीज़ थी, ठीक है। अब मैंने पहला एक्सेलरेट किया, 1 पर आकर रुका, 15 पॉइंट मिले। अब यहाँ कुछ कलेक्ट लिखा गया था, ठीक है, मैंने कलेक्ट पर टाइप किया, मुझे लगा लाइक कलेक्ट कर लेना चाहिए, और लाइक एक्सेलरेट सेफली 240, फिर मुझे मतलब वही समझ आया कि एक्सेलरेट करते हैं भाई, 240 का सेफली वाला वो किया, फेलियर हो गया, यूसीज आया। फिर से हमने कभी टू मोर टाइम्स, ओके। हम भाई पढ़ पढ़ के कर रहे थे, क्योंकि ये नई चीज़ थी, पब्लिक ऊपर से गुजर थी, समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा भाई कलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन एक बार दिमाग में आया कि नहीं कलेक्ट नहीं करना चाहिए, आगे चलते हैं। तो फिर फेलियर आ गया, फिर यूसी बर्बाद हो गए, लेकिन इस बार ये थोड़ा सा ऊपर आ गया था, 15 पे अटका हुआ था, 2 बार फेलियर हो गया था। तो मैंने तीसरी बार किया इसको, तो तीसरी बार ये आ गया पैराशूट या बैग वगैरह पे, तो मैं बड़ा खुश हो गया, मेरी चीज़ें निकल आई, ठीक है। अब उस टाइम तक मुझे लग रहा था कि भाई ये मुझे मिलेगा ही मिलेगा बैग, ठीक है। कलेक्ट मैंने नहीं किया, मैंने फिर से जो है दिल तो कर रहा था कलेक्ट कर लूँ, लेकिन ये आया जी दिस राउंड यू कलेक्ट यस नाउ, तो मैंने इसको नहीं किया कलेक्ट, इंग्लिश पढ़ के जितनी मुझे आती थी। फिर से फेलियर, 28,000 रह गए। अब ट्राई 2 more times और फिर से मैंने इसको एक्सेलरेट किया, फिर से फेलियर, तंग आ के फिर मैंने तीसरी बार इसको कर दिया, कहा जान दो ये से जाने तो भाड़ में जाए, हमें आगे जाना ही है, ऊपर चला गया और ज़्यादा। अच्छा, फर्स्ट टाइम अगर आप किसी की वीडियो देखे बगैर आप सोचो कि मैं कैसे कर रहा था, ना कि कोई वीडियो देखी ना कुछ पता है, तो अजीब ही माहौल, अजीब ही फीलिंग आ रही थी यार। तू बोल ले भाई, तू कमेंट्री कर ले आगे। फिर ये मेरी गन निकली तो मैं बड़ा खुश, ओ भाई M24 निकल आई बाबा जी, ये यहाँ पर मुझे M24 मिलती है, खुश हो गया था टू बी ऑनेस्ट कि M24 निकल आई। ओके, कौन सा हमें मिला यहाँ पे, देखो M24, ठीक है। मैं मुझे लग रहा था मेरे पास M24 भी है और पैराशूट वगैरह भी है, आगे आगे चलते रहो। फिर से किया, 2500 UC मांग रहा था मुझे, मैं खुश, भाई ये तो बड़ी प्यारी M24 है, वाओ वेरी वेरी गुड वेरी ब्यूटीफुल, खुश हो गए, 2500 UC का आगे कर दिया, और ये आगे जाके फिर से फेलियर। हमने कोई बात नहीं भाई, फेलियर होगा तो क्या हुआ, लाइफ में फेलियर तो होता रहता है, फिर से कर दो 2500 UC का, फिर किया, फिर से फेलियर। ओके, नहीं सक्सेस हो गया, एल ओ, अब आ गया था 7500 UC वाला, यहाँ मुझे ये मिल गया मिथिक, अब आ गया था 7500 UC वाला, तो 21,000 UC तो इसी पे लग जाने थे। एक बार किया फेलियर, दूसरी बार किया फेलियर, अब तीसरी बार के लिए हमारे पास यूसी नहीं बचे भाई, अब कहाँ से करें हम जब हमारे पास यूसी नहीं है। तो पब्लिक फिर मेरे बड़ा दिल दास हुआ, मैंने कहा लो भाई अब चलो, ये जो सूट है और ये M24 है इसी में गुजारा करना पड़ेगा। ये मैंने कलेक्ट कर लिया, और जब मैंने कर लिया कलेक्ट, मुझे सिर्फ सूट मिला, मेरे होश उड़ गए कि भाई बाकी चीज़ें कहाँ गई, मुझे बाकी चीज़ें क्यों नहीं मिली। मैं उस टाइम मेरा ये रिएक्शन था, मैंने कहा काश मैं साथ साथ कलेक्ट कर लेता, अब तो मुझे पता ही है कि स्पिन कैसे काम करती है। लेकिन फिर मेरा बड़ा दिल दुखा, फिर मैंने पबजी वालों का दरवाज़ा बजाया, क्या पबजी वालों स्किन दे दो, खोल ही नहीं रहते दरवाज़ा, मैं जाके भाई मैं भी ढीठ जाके पीछे पड़ गया, पबजी वालों स्किन दे दो, पबजी वालों स्किन दे दो, इतना दरवाज़ा बजाया कि सोते सोते पबजी वाले उठ ही गए। उन्होंने कहा हैं आ गए एनोनिमस में भैया, हम आ गए, आकर उन्होंने दरवाज़ा खोला, फिर उन्होंने बोला भाई क्या हुआ, हमने कहा हमको स्किन चाहिए, हम ऐसे नहीं जाऊँगा, हमारी गाड़ी नहीं निकली है। तो फिर जो है ना उन्होंने तंग आके ना इतना मैंने दरवाज़ा पीटा, इतने उन गिड़गिड़ा के मिन्नतें की, पीछे पड़ गए हाथ धो के। तो फिर फाइनली भाई उन्होंने ना हमें स्किन्स भेज दी,
सारी गाड़ियों की स्पिन भेज दी, एक आई भाई ये वाली मैक्लारेन, दूसरी ओपन की वो ब्लैक वाली भी आ गई, लेकिन ये सब इन्होंने भाई लिमिटेड टाइम के लिए दी थी तो ये चली ही जाएंगी सारी मेरे पास से। लेकिन पब्लिक मुझे ये स्किन्स बहुत पसंद आई हैं और आई प्रॉमिस, मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ, क्या करता हूँ प्रॉमिस, कि अगर आपने इस वीडियो पे 24 घंटे के अंदर 80,000 लाइक्स कर दिए ना, 24 घंटे के अंदर आई प्रॉमिस 80,000 लाइक्स कर दिए, मैं अपनी जेब से ये गाड़ी बाय करके निकाल के वीडियो पोस्ट करूँगा। ये तो मेरी लिमिटेड टाइम के लिए चली जाएंगी, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है पब्लिक, अगर 80,000 लाइक्स 24 घंटे के अंदर हो गए, मेरा आप सबको चैलेंज है, चलो मेरे जितने की भी आती है अपनी जेब से इंशाल्लाह मैं ये जो है स्पिन ओपन करके एक ना एक परमानेंट अच्छी सी गाड़ी निकालूंगा। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू पब्लिक। तो अब आप पर है भाई कि अगर आप 80,000 लाइक्स करते हो मेरे जेब से आएगी एक गाड़ी पूरी है, लेकिन अगर आप नहीं करते तो फिर हम भी भाई ये 5 दिन स्किन्स वगैरह यूज़ करके मज़े से और फिर जो है अपना नॉर्मल गेम प्ले एम्प्लेस की तरफ चले जाएंगे। पर आप चाहते हो कि आपके अनोनिमस के पास स्किन होनी चाहिए तो आपने क्या करना है भाई, अपने सारे दोस्तों को बोलना लाइक करने का, जहाँ जहाँ से आप लाइक कर सकते हो। आपने पहले भी बहुत बार पब्लिक अनलिमिटेड बार भाई मेरे बोलने पे 80,000 लाइक्स किए हैं, तो 80,000 तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, मैं तो खुद चाहता हूँ कि आप 80,000 करो हम गाड़ी निकालें, लेकिन अगर आप नहीं करते तो भाई गाड़ी वाड़ी नहीं आने वाली, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो खैर फिलहाल के लिए पब्लिक हमारे पास स्किन्स आ चुकी थी और इतना मज़ा आ रहा था स्किन्स के साथ खेलने में बाबा जी। टू बी ऑनेस्ट आपको बताया कि मुझे स्किन्स इतनी पसंद नहीं है, लेकिन आप लोग पसंद करते हो ना तो मेरा भी दिल करता है यार कि मैं भी नई नई स्किन्स के साथ पब्लिक को मतलब खेल के दिखाऊं। पर टू बी ऑनेस्ट जब मैं फ़न के लिए खेल रहा हूं तो मैं कोई ना गन स्किन यूज़ कर रहा होता हूं, ना मैं कोई अच्छा आउटफिट यूज़ कर रहा होता हूं। आप लोग कमेंट में बोलते हो भाई एक आउटफिट बार बार मत पहनो, इसलिए फिर मैं आउटफिट भी चेंज करने लग गया। तो अगर पब्लिक आप लाइक वाइक ठोकते हो तो इंशाल्लाह ताला आई प्रॉमिस यार, तू बोल ले भाई मैं चला जाता हूँ, आ जा इंशाल्लाह ताला हम जो हैं वो फिर लेके आएंगे आपके लिए ओपनिंग। पब्लिक ये मेरी गाड़ी आई थी, ये नमूने बंदर नीचे आके बैठ गए अब डडुओं की तरह और मुझे गाड़ी वहाँ से ये लेने नहीं दे रहे थे, तो मेरी गाड़ी ओपन ही नहीं हुई। अभी भी स्किन लगाई थी तो एक मतलब एक टाइम के बाद ही आपको मिलता है वो, जब आप जंप करते हो तो गाड़ी आती है। इस मैच के बाद जब मैं खेला था तो मुझे वो इफेक्ट मिल गया था, जब मैंने गाड़ी की मतलब जंप किया था पैराशूट से तो गाड़ी से ही कर रहा था मैं, पर इस वाले मैच से पब्लिक ऐसा नहीं होता, प्लेन हमारा आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको एक राज की बात बताऊँ, इस मैच के बाद मेरे माइनस भी बड़े हुए, यहाँ तो मैं बहुत मज़े के प्लस मिले थे, ऐसा मज़े का मैच गया था भाई, मैं कह रहा हूँ दिल गार्डन गार्डन हो गया था। और उसके साथ साथ ना पब्लिक हमने ना टिकटॉक वीडियो भी बनाई थी, आपको पता है कि आपका अनोनिमस जो है वो टिकटॉक वीडियोस बनाता है और समटाइम आपको गेम प्लेज में मैंने बना के दिखाए भी हैं, पब्लिक देखो टिकटॉक वीडियो बन रही है। तो ऐसे ही जो है ना इस मैच में भी हमने बनाई थी टिकटॉक वीडियो। पब्लिक अब मैं आप लोगों को जब जितना सिखा सकता हूँ अपने उससे, नूब हूँ ऐसे तो इतना कुछ आता नहीं है, लेकिन जितना सिखा सकता हूँ अपने तरीके से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ पब्लिक कि आपको ऐसे खेलना है ऐसे खेलना है। अभी आप मुझे देखते हो हॉट ड्रॉप करते हुए, कभी जॉर्जियो कभी नोवो कभी सिटी, आपको ऐसा नहीं करना ठीक है। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ आप नज़र रखो हर तरफ कि कहाँ पे गाड़ियाँ होती हैं, आपको परमानेंटली जहाँ पे गाड़ी होती है ना उन जगहों का पता होना चाहिए कि यहाँ पे गाड़ी मिलेगी ही मिलेगी आपको ठीक है। फिर अगर आप दोनों रैंक कर रहे हो तो मतलब अगर कोई कार फाइट पे आ रहा है आपका, आपको पता पिंग विंग ठीक आ रहा है ठीक है, आप कार उससे जल्दी पिक कर सकते हो, आपको अपने ऊपर यकीन है तो आप कार फाइट मतलब जाओ उसके लिए, कार के लिए जाओ, वरना आप मतलब गन वन उठा लो, कार फाइट भी मत लो जैसे गन फाइट नहीं लेते। लेकिन हम लोग यहाँ पर आ रहे थे, उसका रीज़न ये था लाइक थोड़ी थोड़ा आपके लिए मज़ेदार सी चीज़ बन जाए गेम प्ले बनाने के लिए, वरना मैं पब्लिक सेफ खेलूँ तो मतलब गाड़ी उठा के बंदा किसी दूर कोने में जाए आराम से लूटे बॉट वॉट मारे एंड में जो किल मिलते हैं वो उठा ले जस्ट, ये होता है रैंक पुश का तरीका। क्योंकि अभी हम खेल रहे थे ना गेम प्ले के लिए खेल रहे थे, टू बी ऑनेस्ट स्किल्स के लिए खेल रहे थे, तो उस चक्कर में मेरे बड़े माइनस हो गए। मैं बताता हूँ आइडिया बताता हूँ आपको कितने माइनस होंगे मेरे, आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 40 के आसपास मेरे माइनस हुए हैं ये रिकॉर्ड करने से पहले। फिर भी देखो कितने सुकून से आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं पब्लिक। यहाँ पे फिर मैं टिकटॉक वीडियो बनाने लगता हूँ, ये देखो गाड़ी खड़ी थी, यहाँ पे मुझे आइडिया है टार्जन वाली टिकटॉक बनाऊंगा। अब टार्जन फिल्म जिसने देखी है बचपन में भाई उसको पता होगा, आजकल के जो बच्चे हैं उनको शायद वो टार्जन मूवी का नहीं पता हो। तो देखो गाड़ी के आसपास घूम रहा था, ये मैं दिखा रहा था कि हम पुरानी गाड़ी को नया कर रहे हैं ठीक है। अब मैं इस पर म्यूज़िक लगाऊंगा टार्जन वाला, तो उसके बाद पब्लिक मैं थोड़ा सा ये पे फ्रंट पे दिखा के इसको पीछे आता हूँ। अब यहाँ पे मैं फेंकता हूँ उसमें स्मोक के, स्मोक के अंदर से निकलेगी टार्जन ठीक है। ये हमारा मतलब टिकटॉक का एडिट हो जाएगी ये सारी, तो म्यूज़िक लग जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे स्मोक फेंक दी। अच्छा एक्चुअली मैंने आपको कहा था कि मैं गाने और म्यूज़िक नहीं यूज़ करूँगा, तो मैं बहुत कम मतलब मैंने ये नहीं कहा था कि मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगा पब्लिक, क्योंकि मुझे पता है भाई गुनाहगार हूँ इंसान हूँ हो जाता है, तो मैंने कहा था बहुत कम यूज़ करूँगा और मैं ऐसे ही करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं मतलब सॉन्ग वॉन्ग नहीं लगा रहा होता, म्यूज़िक लगा लेता हूँ लेकिन वो भी बहुत कम, तो कम करता हूँ एक चीज़ क्योंकि मुझे पता है गलत है।
और दूसरा आप लोगों को, चलो मैं एक और आपसे बात करना चाहूँगा, लेकिन देखो हमारी स्मोक गलत हो गई थी और फिर पब्लिक इसका मैं ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था कि स्मोक अब थोड़ी आगे वाली साइड फेंकूंगा ताकि गाड़ी गुम हो, गाड़ी गुम होगी तभी हम इसको एडिट कर पाएंगे। कब्बे मुर्गे सब बोलते हैं हमारी वीडियो में, चिड़िया घर में रहता हूँ मैं। उसके बाद पब्लिक दूसरी बात आपसे ये करनी थी कि बहुत से लोग को शायद ये लगता है कि मैं गाली वाली नहीं देता, ठीक है, मैं बहुत नेक हूँ, मैं कभी ये चीज़ नहीं बोलता कि मैं नेक हूँ या मैं गाली नहीं देता। देखो कंट्रोल करना आना चाहिए, गुस्से में तो हर इंसान गुनाह कर देता है, गुनाह होते ही गुस्से में है, ठीक है। तो ये देखो हमने गाड़ी चेंज कर ली, अगर आपसे गुनाह होता है ना तो वो गुस्से में ही होता है, तो गुस्से पे कंट्रोल आना चाहिए। मैं ना कोशिश करता हूँ मेरी ज़ुबान पे कंट्रोल रहे, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश करता हूँ गाली वाली ना दूँ, गुस्से में कभी कभी निकल जाती है तो निकल जाती है, लेकिन उसकी भी बंदा फिर माफ़ी मांग लेता है। लेकिन इंसान को जन्नती और दोज़खी जो बनाती है ना चीज़, वो उसकी ज़ुबान ही बनाती है। तो मैं कभी ये नहीं बोलता कि मैं गाड़ी नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है आज नहीं तो कल शायद मैं सम टाइम आपके सामने भी मुझसे गुस्से से निकल जाए। तो पब्लिक का दिल ना दुखे, मैं खुद उनको बताता हूँ कि हाँ गुस्से में सम टाइम लाइक बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम, कभी कभी मतलब गुस्से में निकल जाते हैं, लेकिन मैं गाली वाली नहीं देता वैसे नॉर्मली, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ना, आपको खुद पे कंट्रोल आना चाहिए पब्लिक। कभी भी आप किसी को गिरा के ऊपर नहीं आओ, ठीक है, आपको किसी को गिरा के ऊपर आना है तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, किसी को बुरा बोल के ऊपर आना तो वो कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे कामों से बचना चाहिए, गइबत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है अब इंसान जो ना दुनिया में इल्ज़ाम लगा देता है, लेकिन अब अगर इल्ज़ाम लग गया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मुझे कुछ बोला जो काम मैंने नहीं किया और उससे मुझे नुकसान हो गया, ठीक है, तो रोज़े हशर जो है ना फिर अल्लाह ताला आप उस चीज़ के ऊपर आपसे सवाल करते हैं कि ये इल्ज़ाम लगाया था, अब इसको साबित करोगे, तो आप साबित नहीं करोगे आपको लगे उस चीज़ की बख्शिश नहीं होती। तो ये चीज़ ऐसे होती है पब्लिक, आपको ना लाइक किसी को नीचा गिरा के ऊपर आने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कोई कुछ भी कर रहा है यार, वो अपने लिए कर रहा है, ठीक है, आप उसको उसकी लाइफ में रहने दो, आप अपनी लाइफ में रहो। लेकिन आजकल बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं भाई, हर इंसान ना दूसरे इंसान को नीचे गिरा के ऊपर आना चाहता है। तो आप अब ना मेरी पब्लिक, जैसे मैं अपनी पब्लिक से बात करता हूँ, उनको जितना हो सके सही गाइड करने की कोशिश करता हूँ, तो आप ना गुनाहगारों की मतलब जो गलत, मैं गुनाहगार तो चलो नहीं बोलता, लेकिन जो गलत रास्ते पे लोग होते हैं ना उनके रास्ते से पे ना आया करो। कोई आपको कुछ बोले आप भी उसकी बात पे यकीन कर लो, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। किसी को बुरा मत बोलो किसी के बोलने पे, ठीक है, किसी को गाली ना दो किसी के बोलने पे, ऐसा आप थोड़ा रहा करो पब्लिक। खैर बड़ी सीरियस बातें कर ली, थोड़े चलते हैं थोड़े गेम प्ले की तरफ। हम लोग आए थे स्क्वाड हाउस में, क्योंकि फ्लेयर चली थी दो वहाँ पे, तो हमने फैसला किया अब स्क्वाड हाउस जाके फाइट लेते हैं, इनको यहाँ पे बुलाने की कोशिश करेंगे, जानबूझ के अपना नॉक करवा लेंगे और फिर वो रश करेंगे तो उनको मारेंगे, ऐसे ऐसे प्लान करके हम लोग खेल रहे थे। क्योंकि जो जॉर्ज पुल में पब्लिक बंदे थे उनके पास ना दो दो फ्लेयर थी, और यहाँ हमारी जो गाड़ी मज़े अच्छी, ये बड़ी मज़े की चीज़ हो गई। देखो अब हमारे टीममेट्स भी मेरी स्किन यूज़ कर सकते हैं, मैं उनकी कर सकता हूँ, वरना ये बड़ी गलत चीज़ थी कि स्किन चेंज हो जाती थी, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और भी लोग मज़े ले सकते हैं। तो अब मैं दो दो मैक्लेरन बना के ना एक टीममेट को दे देता हूँ कि आप भी चलाओ, वैसे को जायरा हो या कोई भी हो, और एक मैं खुद रख लेता हूँ। अभी देखो ये दो गाड़ियाँ लेके जा रहे थे ना, मैं वहाँ जाके इसकी भी स्किन चेंज कर दूंगा, ले भाई तेरे पास भी मैक्लेरन मेरे पास भी मैक्लेरन, तो ऐसे खुश हो जाते हैं टीममेट्स भी पब्लिक। उसके बाद हम लोग आ गए थे कवर में, एक जोन के एच पे, काफ़ी अच्छे लाइफ थे, बहुत छोटा सर्कल है पब्लिक, बहुत ज़्यादा लाइफ थे। आपको एक और चीज़ मैं बोलूँगा रैंक पुश में हमेशा, कि अपनी गाड़ी सेफ रखो, अपनी गाड़ी कभी भी एनिमी से ख़राब ना करो, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो गई और जोन आपका दूर बन गया तो आप मैच को हार गए, ठीक है, वो आप अपनी गलतियों से हार हो, क्योंकि आप अपनी गाड़ी सेफ नहीं कर पाए। जैसे अपनी खुद की हिफाजत करते हो वैसे अपनी गाड़ी की हिफाजत करो पब्लिक, उसको ऐसे कवर में खड़ा करो कि कहीं से शॉर्ट्स वगैरह ना पड़े, और फ्यूल एक टीममेट को बोल के रखो, या आपके पास अगर स्पेस होती है अक्सर तो आप खुद मतलब एक गैस कैन लाजमी उठा के रखो, बेशक अगर लाइक आपको फिर लगता है फ्यूल फुल है ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो बेशक गिरा दो, बैक की स्पेस सही होती है आई नो, लेकिन आप सम टाइम कोशिश करो कि आप ना फ्यूल आपके पास लाजमी हो पब्लिक, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है गाड़ी आपकी एनिमी फाइट हो गई, ठीक है, मैं एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ, रश हुआ फाइट हो गई, आपकी गाड़ी ब्लास्ट हो गई, एनिमी की गाड़ी में फ्यूल नहीं है तो भी आपको फ्यूल की ज़रूरत पड़ जाती है। अभी यहाँ पर हमने बंदे मारे थे, फिर मैं इनकी लूट वगैरह करने के लिए आ गया था। इतनी देर में क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था, जब मेरा टीममेट अब रैंक पुश में नॉक होता है ना तो मैं वाकई में पैनिक हो जाता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अपना भी रैंक बचाना होता है, टीममेट को भी बचाने की कोशिश करनी होती है। और आजकल इस सीज़न तो मेरे इतने माइनस पड़े ना, इतने ज़्यादा माइनस पड़े कि एक डर सा बैठ गया भाई, अब शायद मैं नेक्स्ट सीज़न रैंक पुश करूँ ना आराम से खेलूँ भाई, मैं वाकई में बड़ा तंग आ गया। अपना गेम इंप्रूव करेंगे, रश फश करके खेलेंगे, एंजॉय करेंगे, ये ऐसा सोच रहा हूँ मैं, तब का तब देखेंगे, ठीक है, कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की पब्लिक। हमारे टीममेट सर हो गए नॉक, अब मैं भी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि अभी देखना मुझे गंदे वाला स्प्रे दिया था इन्होंने, ये देखो स्मोक के अंदर पड़ा, सही है, स्मोक के अंदर पड़ी मुझे शॉट्स, हेल्थ मेरी सारी चली गई, तो मैं घबरा गया, मुझे लगा बंदा है गड़बड़। अब मैं यहाँ पे हील वगैरह कर रहा हूँ, टीममेट को बोल रहा हूँ भाई तू मेरे पास आ, अब मुझे एक बार बताओ भाई
जारोक सर आप उधर क्यों जा रहे हो अगर आप वीडियो देख रहे हो भाई, आपको इधर आना चाहिए था ना मेरे पास गाड़ी के पीछे, ठीक है ये चला गया उधर। अब मुझे लग रहा है भाई वहाँ पे भी एनिमीज इजीली मार देंगे, जब मुझे गाड़ी के पीछे मारा तो एटलीस्ट अब कवर तो है, उधर जाऊँगा मार देंगे। अब मैंने ये नहीं देखा जारोक की हेल्थ कितनी, बूस्ट वगैरह करके दुआ कर रहा था, जब जाने लगा एकदम से उसकी हेल्थ गई और बिल्कुल पास पहुँचा तो मेरे कदमों में मर गया, दम तोड़ गया, मेरे को बड़ा बुरा लगा। लेकिन पब्लिक क्या कर सकते थे, हैं बैंड बज गए हमारे टीममेट की, और फिर मैं भागा अपनी गाड़ी की तरफ आ गया। पब्लिक फिर सर्कल यहाँ से चला जाता है, तो जिस मैक्लारेन में भाई ज़्यादा सारा फ्यूल था ना वो हमने पिक की, पिक करने के बाद पब्लिक मैं यहाँ से निकल जाता हूँ जोन के लिए। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने जोन कैसे लिया। मैक्लारेन काफ़ी अच्छी गाड़ी है, मैं आपको मेरा खुद दिल क्यों कर रहा है अभी ये लेने का मैं आपको रीज़न बताता हूँ। इसके जो विंडोज़ हैं पब्लिक वो काफ़ी छोटी हैं और स्प्रे वगैरह अच्छे से नहीं पड़ता, और गाड़ी भी काफ़ी स्मूथली चलती है, टू बी ऑनेस्ट बड़ा मज़ा आता है यूज़ करने में, काफ़ी स्पीड से चलती है तो इसलिए दिल भी करता है। अभी इसके जो विंडोज़ वगैरह हैं वो काफ़ी छोटी हैं तो आपको एनिमीज मार नहीं सकते इतना इजीली। तो पब्लिक अब मैंने देखो देख रहा था बगी वाले आते हैं, यहाँ रुकने का फ़ायदा नहीं था क्योंकि काफ़ी ओपन एरिया है, ठीक है आप कभी भी ऐसी जगह रुक मत जाओ, सामने बंदे और मारते हैं। चलो अब ऐसे ना अपने ऊपर जो एक आपका वो होता है ना एक खुद के ऊपर कंट्रोल, उसको कभी भी लूज़ मत करो, ठीक है। अब देखो आपका नाम आराम से यहाँ पे सुकून से देख रहा था, आगे बंदे नहीं रुकेगा क्योंकि सर्कल का मिड है, देख रहे हो मैंने आप लोगों को जो दो तीन दिन पहले भी समझाया था, पब्लिक बताया था कि मिड में मत रुको हर तरफ से पड़ेगी। अब मैंने वही काम किया, मैं रुक सकता था वहाँ पे जगह मिल गई थी, लेकिन मैं आ गया एकदम एज पे, कवर भी है कोई साइड से पीछे, एक बार जोन के देख लो कोई भी नहीं आ रहा, ठीक है आप बच जाओगे। उसके बाद फिर से सर्कल में जाना था तो मैंने वेट किया, जब जोन आ रहा है सर्कल में भी तब जाओ, पहले से जाके मत बैठो, हर तरफ से पड़ेगी तब भी, जब जोन आ रहा है उससे 10-15 सेकंड पहले चले जाओ या जोन के साथ साथ चले जाओ। देखो मैं जोन के साथ साथ आया था, फिर वहाँ पे फाइट हो रही थी ऑलरेडी, अगर मैं पहले जाता ऐसे मेरी फाइट हो रही होती। अब मैं बाद में आया तो मैं थर्ड पार्टी कर सकता हूँ, ये चीज़ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। मैंने उसको तुम कर लो कमेंट्री आ जाओ, मैंने उनको काफ़ी लो किया था, पब्लिक बेचारा तो ये मर जाता है, ब्लीड आउट हो जाता है, इसके टीममेट ने इसको रिवाइव नहीं दिया, 4 किल थे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी भी जोन मेरे पास बन नहीं रहा था, बार बार दूर जा रहा था, बार बार दूर जा रहा था, और था भी मैं अकेला तो पिंग भी कोई इतना स्टेबल या ग्रीन पिंग नहीं आ रहा था हमारा। फिर मैंने वेट किया जोन के टाइम पूरा होने का, और जहाँ मैंने जाना था वहाँ फेंक दी स्मोक कि मेरी गाड़ी पे कोई स्प्रे ना कर दे, और सारी स्मोक ना अलग अलग डायरेक्शन में फेंकी, और फिर गाड़ी लेके जाऊँगा ना तो स्मोक के अंदर से लेके जाऊँगा कि कोई स्प्रे ना कर दे, ये मेरा प्लान था। पब्लिक आप भी ये चीज़ यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास ज़्यादा स्मोक है या आपको लग रहा है कोई गाड़ी के ऊपर स्प्रे करके आपको गाड़ी से गिरा देगा तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो। फिर पब्लिक मैंने यहाँ पर गाड़ी उठाई, मैं फ़ौरन से आके ना स्मोक के अंदर गाड़ी रोक देता हूँ, और यहाँ पे आके मैंने देख लिया, राइट से देखो मेरा फुल कवर है, लेफ्ट पे कोई था नहीं क्योंकि मैंने उस टाइम भी देखा था, और ये मेरी एक अच्छी कवर बन गई। देखो अभी भी मैं एच पे रुका हूँ, आप एक चीज़ नोट कर रहे हो, मैं मेड में नहीं जा रहा कभी भी जोन के। अब ऊपर बंदे थे तो मैंने नेट वगैरह फेंकना स्टार्ट कर दिया, और ये क्रेट पड़ी थी हम इसको भी लूट सकते थे, ये बंदा वो है जोकर वाला जिसको मैंने मारा था, आगे हो रही थी फाइट, मैं भी वेट कर रहा था भाई लड़ लो मर लो, अब बाद में जो बचेगा उसको मैं मार के चिकन ले लूँगा क्योंकि चिकन ज़रूरी है भाई। वापस आता हूँ यहाँ पे इसकी क्रेट में लूटता हूँ, ग्रोज़ा मिल जाती है। अब देखो आपको मैंने एक और चीज़ बताई थी पब्लिक के गन कभी भी आपको स्विच करनी पड़ सकती है, अब ऐसा नहीं कि आपको ओम मिल गई तो आप जब तक मरते नहीं हो या चिकन नहीं होता ओम चला रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो अभी मुझे ग्रोज़ा की ज़रूरत थी, क्लोज में फाइट होने वाली है, ओम तो क्लोज में नहीं चला सकते भाई हम, तो हमने ग्रोज़ा उठा ली, और दूसरी थोड़ा अगर दूर स्प्रे करना पड़े तो M4 उठा ली, ये दो गन्स में उठा के बैठ गया था। और उसके बाद पब्लिक चार अलाइव रह गए थे, राइट से साउंड आ रहा था कि बंदा आ रहा है, फालतू चीज़ें थी मैंने वो गिरा दी, काम की चीज़ें उठा ली, नेट वगैरह मेरे पास हैं। अब ये चीज़ अच्छी हुई थी कि सर्कल पब्लिक अल्हम्दुलिल्लाह हम पर बन गया था, तो मुझे राइट वाले रिज पे शॉट्स भी आ रहे थे वहाँ से, और साउंड भी आ रहा था कि उधर बंदे आ चुके हैं, लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा था भाई एक टीम मर जाए। अब 1v2 की फाइट है पब्लिक, सामने वाले दो हैं, मैं एक हूँ, एक बंदा मुझे नजर आया उसने मुझे देख लिया, मैंने उसको फ़ौरन से ग्रोज़ा से डाउन किया, जैसे मैंने आपको बोला ग्रोज़ा चाहिए थी भाई हमें। अब सामने इसका टीममेट है, देखो पब्लिक एक चीज़ हमेशा याद रखो, बेशक आपने एक नॉक कर दिया उसको फिनिश कर दो अगर ज़रूरत पड़ती है तो, अगर आपको नहीं करना उसके टीममेट को पैनिक करना है वो भी ठीक है, लेकिन देखो अभी मैं रश नहीं कर रहा क्योंकि वो घबराया हुआ है, जब सामने वाला घबराया हुआ है आपको रश करने की ज़रूरत नहीं है, टीममेट तो उसका नॉक है और जोन में भी उसको आना है तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है आगे जाकर उसको मारने की। हाँ नेट्स थे मेरे पास 5, मैंने उसको भाई वापस पब्लिक लॉबी में नहीं लेके जाना था, तो आपके एनोनिमस ने जितने भी नेट थे वो सब एनिमीज़ के ऊपर करना स्टार्ट कर दिया, और फिर आखिरी नेट बचता है तो मैं भी कुक करने लगता हूँ, लेकिन ये बंदा पोजीशन बता रहा होता तो मैं इसको कर देता हूँ फिनिश के बाबा जी आप पोजीशन मत बताओ, आखिरी नेट होता है, मेरा दिल होता है कि मैं ये भी कर दूँ। और जैसे मैं ये नेट आई गेस निकालता हूँ मुझे सामने से बंदा आता नज़र आ जाता है, मैं वापस गन पकड़ता हूँ, घास के अंदर से इसको मारने की ट्राई करता हूँ और ईजिली इसको डाउन कर देता हूँ, और ऐसे मुझे मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह गुड पॉइंट प्लस के साथ विनर चिकन डिनर मेरी अनोनिमस की पब्लिक। बहुत मुर्गों की आवाज़ है, मैंने ऊपर छत पर बैठ के वीडियो बनाई, अगर शोर आया तो उसके लिए मैं माफ़ी।